गए हैं। सभी एग्जिट पोल में फिगर्स थोड़ा ऊपर नीचे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार वापस आती हुई दिखाई दे रही है। आपका पहला मुझे रिएक्शन? कोई आश्चर्य नहीं है, हमने इलेक्शन के शुरुआत से ही कहा है कि अपना दल भाजपा निषाद पार्टी का गठबंधन एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आज आपके एग्जिट पोल्स उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, मैं तो पहले दिन से ही कंफर्म हूँ। ये बताइए, आखिर कौन सी योजनाएं रही, कौन सा सरकार का ऐसा कामकाज रहा जिसने सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित किया? और सरकार, जैसा कि हम आज तक देखते आए हैं कि यूपी में कभी सरकारें रिपीट होकर नहीं आई हैं, अगर 10 तारीख को भी ये नतीजे आ जाते हैं तो ये पहली बार होगा कि सरकार अगर रिपीट हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, कौन सा काम सबसे ज्यादा प्रभावी रहा सरकार का? उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल एनडीए गठबंधन की सरकार चली। आज का जो हमारा वोटर है वो बहुत जागरूक भी है, बहुत आकांक्षी भी है, और सरकारों से वो निरंतर उम्मीद करता है कि उनके कार्यों से उसके जीवन में बदलाव आए। हमने जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई उनका प्रभाव ये है कि आज़ादी के बाद ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने शायद पहली बार किसी योजना का लाभ उठाया, और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको एक से ज़्यादा योजनाओं का लाभ पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे शासन व्यवस्था की खासियत है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करते हैं गवर्नेंस में, जिसके कारण जो एक बिचौलियों के हस्तक्षेप की प्रवृत्ति रहती थी जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था उस पर पूरी तरीके से अंकुश लगा है। आज अगर लाभार्थी के लिए एक रुपया भी सरकारी खजाने से निकलता है तो सीधे DBT के जरिए उसके खाते में पहुँचता है। तो एक सकारात्मक बदलाव, एक ईज ऑफ लिविंग का जो प्रभाव है उसे महसूस किया है उत्तर प्रदेश के वोटर ने, और यही कारण है कि एनडीए गठबंधन के प्रति उसका विश्वास पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है, और यही फैक्टर है जो एनडीए की दोबारा सत्ता में वापसी कर रहा है। सरकार ने अगर की सभी दलों ने इस बात को ध्यान में रखा था कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनके जितने लाभार्थी हैं, राज्य की जितनी योजनाएं हैं उनके जितने लाभार्थी हैं, उन तक विशेष तौर पर पहुंचा जाए और उनको जाकर सरकार के बारे में और ज्यादा विस्तार से बताया जाए। तो क्या आपको लगता है कि जो पूरी रणनीति आप लोगों ने बनाई एक तरह से अपने वोटर के पास पहुंचने की, वो पूरी तरह से सफल हुई? देखिए, अगर सरकार ने काम किया है तो सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा देना ही चाहिए। हमने 5 साल काम किया इसलिए हमारे काम का पूरा रिपोर्ट कार्ड हमारे पास था। अगर हमने योजनाएं चलाई और उनसे लोगों को लाभ पहुंचा तो हमारे लिए उस वोटर को रीच आउट करना और उसका फीडबैक लेना और ये भी देखना कि धरातल पर जो योजनाएं पहुंची हैं उनसे उसके जीवन में क्या बदलाव हुआ है, किस हद तक उनका प्रभाव पड़ा है, ये हमारे एक गवर्नेंस का हिस्सा है और इसको हमने किया। और हमने देखा कि कुल मिलाकर वोटर बहुत संतुष्ट है और वोटर का एक विश्वास और भरोसा एनडीए गठबंधन की जो एक गवर्नेंस फिलॉसफी है या जो एक शासन व्यवस्था चलाने की एक कार्य संस्कृति है उसमें भरोसा बढ़ा है। मैम, हम देख रहे हैं कि सारे एग्जिट पोल के नतीजों में एक चीज ये कि आपको पिछले मैंडेट से 50 से ज्यादा सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहाँ पर आकर ये रह गया जिसमें कि 50 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और पिछले आंकड़ों को आप छूने में एग्जिट पोल में फिलहाल अभी नहीं तो दिखाई दे एग्जिट पोल के जो अनुमान होते हैं वो 100% तो नहीं होते हैं। जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था तो एग्जिट पोल्स ने निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन के पक्ष में रुझान दिखाए थे, जबरदस्त दिखाए थे, लेकिन 325 के आंकड़े की कल्पना नहीं थी लोगों को। लेकिन 325 का जब एक ये जादुई आंकड़ा आया तो लोग हतप्रभ हुए, आश्चर्यचकित हुए। तो अभी भी मैं कह रही हूं कि जब 10 मार्च को परिणाम आएंगे तो हमारी बहुत शानदार तरीके से और प्रचंड बहुमत के साथ वापसी होगी और तमाम किस्म के प्रश्नों पर विराम लग जाएगा। ये चुनाव जो है जिन्ना से शुरू हुआ था उसमें आतंकवाद जैसे विषयों तक भी पहुंचा, आप लोगों ने राष्ट्रवाद की लाइन को लिया और उसी पर आप लोग आगे बढ़ते रहे, क्या इन सारे मुद्दों पर ये भारी पड़ गया है एक तरह से एक मुद्दा? देखिए, जनता की एक साफ नियत के साथ सेवा करना, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना, यही राष्ट्रवाद है और यही किसी जिम्मेदार और संवेदनशील सरकार का दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कर्तव्य भी है। और मुझे लगता है कि अगर हमने ईमानदारी से और नेक नियत से एक गरीब मतदाता के जीवन में अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एक परिवर्तन लाया है तो इससे बड़ा राष्ट्रवाद का उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई राह पर ले जाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में आज कनेक्टिविटी की दृष्टि से सड़क, बिजली, पानी, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, ये तमाम सुविधाओं का जिस तरीके से विकास हुआ है, हम एक नए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़े हैं जो आकांक्षी मतदाताओं की जो आकांक्षाएं हैं, जो सपने हैं उनको पूरा करने की राह दिखाता है।
प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर तो वैसे, लेकिन योगी जी इसके जो थे वो मुख्यमंत्री तो थे ही, लेकिन इसके बाद आगे आने वाले समय के लिए भी उनको प्रोजेक्ट किया गया था। क्या आपको लगता है कि योगी जी के नाम पर भी वोट पड़ा है? देखिए, ऐसा है कि ये एक संयुक्त कैंपेन था जिसमें हमने उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसका नेतृत्व माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे थे, निश्चित रूप से उनकी सरकार का और भारत सरकार का जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एनडीए सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के आम मतदाता तक पहुँचा है, तो मुझे लगता है कि ये सारी बातों का एक प्रभाव रहा है और उत्तर प्रदेश में एनडीए की एक जबरदस्त वापसी हो रही है। आखिरी सवाल, स्वामी जब गए थे बीजेपी छोड़कर तो उस वक्त कहा गया था कि पिछड़ों के हिसाब से बीजेपी के लिए बड़ा डेडलॉक, एक नुकसान होगा। क्या लगता है आपको कि पार्टी उस नुकसान से, वो नुकसान तो नहीं होता वो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ये 50 सीटें हमको कम आती हुई दिखाई दे रही है, क्या उस इलाके से हो सकती है? देखिए, अभी आप आकलन और अनुमान पे बात कर रहे हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि चुनाव के ठीक पहले जब ये आया राम गया राम की प्रवृत्ति को अपनाया जाता है तो वोटर के मन मस्तिष्क पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और आज भी मैं कह रही हूं कि इस क्रॉसओवर से किसी प्रकार का कोई प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों पर नहीं पड़ने जा रहा है।